तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो जो प्रतीक लास्किंग का न्यू ट्रैक था वो आउट हो चुका है उनके यूट्यूब चैनल पे, तो उस ट्रैक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो डॉन वाईजी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी जिसमें आप लोग देख सकते हो एमसी स्टैन के ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ है। मुंबई टॉप्स रैपर एमसी स्टैन फेसेस असॉल्ट एलिगेशन बाय एक्स गर्लफ्रेंड। एक और स्टोरी डाली थी जिसमें आप लोग देख सकते हो तीन जन का नाम लिखा हुआ है, वर्धमान मेहता, आकाश और सनी, और उसके ऊपर कौन से सेक्शन लगे हुए आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को क्या लगता है, डॉन वाईजी ने जो भी किया है वो सही किया है या गलत किया है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उसी पे जो डॉन वाईजी अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे पहले, और उसमें जो एमसी स्टैन का वटा सॉन्ग है उसको कॉपी बोल रहे थे, तो आप लोग देख सकते हैं वो क्लिप। फेम किसको नहीं चाहिए, फेम सबको चाहिए, बट छपरी लोग के नाम पे नहीं चाहिए, बस और कुछ नहीं। बाकी मैं तो तुम लोगों का खाली थोड़ा ही बोल रही हूँ। तो आप लोगों की इस पे क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो एमसी इंसन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी जिसमें लिखा था, पब्लिक टोल्ड मी आई एम द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर रैपर फ्रॉम होल नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हैशटैग नो कैप, हैशटैग फैक्ट्स। और एक और स्टोरी डाली थी जिसमें आप लोग देख सकते हो एमसी इंसन का कोई ट्रैक का काम चालू था और लिखा था, थैंक यू विनर फॉर द वर्स, यू आर अ विनर फॉर द रीज़न। और नीचे साइड लिखा था, दिस कोलैब इज़ अ वर्ल्ड वाइड हिट। तो हमें बहुत जल्दी एमसी इंसन के तरफ से कोई कोलैब ट्रैक देखने मिल सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो जो सहज है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी जिसमें लिखा था, ट्रैक विल बी आउट ऑन 18 मार्च, एक्साइटेड। तो जो सहज का न्यू ट्रैक है वो हमें 18 मार्च को देखने मिल जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।